वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मोलानी, एक्सपोर्टर इंपोर्टर एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। पिछले वीडियो के अंदर हमने ये ट्रेलिंग किया था कि कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आज हमारे माइंड के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिलेटेड है। वन बाय वन आगे की वीडियोस में हम देखते जाएंगे कि ये जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में क्रिएट हुए हैं उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं। आज के जो वीडियो का हमारा क्वेश्चंस है वो ये है, व्हाट टू एक्सपोर्ट एंड व्हाट टू इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर हम प्रोडक्ट सिलेक्शन की अगर बात करते हैं तो प्रोडक्ट सिलेक्शन ये सबसे बेसिक और सबसे जरूरी इंपोर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं और अगर ये प्रोडक्ट के अंदर आप डिटेल्ड में काम करते हैं तब जाके इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये पॉसिबल होगा। बेसिकली हम राइट नाउ बात करेंगे एक्सपोर्ट के लिए कि जब आप एक्सपोर्ट के बारे में प्रोडक्ट सिलेक्शन करेंगे तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि एक्सपोर्ट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हैं सारी प्रोडक्ट को आप कहीं पर भी बेच सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से आपको अपना मार्केट ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगा कि अगर आप एंटार्क्टिका के अंदर फ्रिज बेचने की ट्राई करेंगे तो बिल्कुल नहीं बिकेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर फ्रिज के टेम्परेचर से भी नीचे है। सो फ्रिज के लिए एप्रोप्रिएट मार्केट है एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज की, जहां पे बहुत सारी गर्मी पड़ती है। तो जब भी आप किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो हमेशा ये समझ के चलिए कि जब तक आप उसकी डिटेल स्टडी नहीं करते हैं तब तक आप उसका मार्केट जो है वो प्रॉपरली ढूंढ नहीं पाएंगे। प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर बहुत दूसरी भी चीजें आती है, जैसे कि सबसे पहले ये हमारे अंदर ये मीथ होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर सेलर कोई भी गुड्स को सेल कर रहा है तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि वो ऑटोमेटिकली सेल कर रहा है तो वो बाई नहीं करेगा। पर दोस्तों, हमेशा याद रहिए कि जो भी लास्ट कंज्यूमर है उसके अलावा हर कोई सेलर बायर भी है। आपकी प्रोडक्ट खाली वो नहीं लेते हैं जो पर्टिकुलरली उसका सेल करते हैं, वो भी लेते हैं जो पर्टिकुलरली वो लास्ट कंज्यूमर है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि जितने भी सेलर आप देखते हो वो सारे के सारे बायर्स भी हैं। ये टर्म्स अगर आप समझ के चलते हो, क्योंकि देखिए किसी की विजिटिंग कार्ड पे ये नहीं लिखा होता है कि आई एम अ बायर ऑफ दिस प्रोडक्ट, हर किसी के विजिटिंग कार्ड पे ये लिखा होता है कि आई एम द सेलर ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो जब आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो तो हमेशा टारगेट रखिए उन लोगों को भी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेलिंग करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर शायद वो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 20% लोग करते होंगे, जबकि 80% से ज्यादा लोग वो प्रोडक्ट का डायरेक्ट सेल करते हैं। सो ऑटोमेटिकली जो सेलर है वही आपका बायर है। दोस्तों, प्रोडक्ट सिलेक्शन के पहले हमको ये भी समझना जरूरी है कि अगर आप मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर है तो आपको प्रोडक्ट वो मार्केट से सिलेक्ट करनी होगी, और अगर आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है तो आपके पास ऑलरेडी अपनी प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उसकी क्वालिटी के हिसाब से हम वो मार्केट सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर नहीं है, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर है और अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके आगे काम करना चाहते हैं, आपके पास अभी प्रोडक्ट नहीं है, तो यू कैन सिलेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट। सो राइट नाउ हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए कि जो मर्चेंट एक्सपोर्टर की तरह से काम करना चाहते हैं जिनके पास अभी प्रोडक्ट नहीं है। तो जब आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करना चाहते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें और कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जहां से आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है ट्रेड फेयर। दोस्तों, ट्रेड फेयर का मतलब होता है कि व्यापार मेला। अब जहां पर भी ये व्यापार मेला लगता है आपको सीधी तरह से ये समझ में आता होगा कि एक ही प्रोडक्ट के अंदर थाउजेंड्स एंड मोर स्टॉल्स आर अवेलेबल एट अ वन प्लेस। माने एक ही डोमेन के 500 से 1000 स्टॉल अगर एक ही जगह पे है, कोई एक ही स्टेट के अंदर, कोई एक सिटी में, तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज की जानकारी मुझे ये ट्रेड फेयर से मिल सकती है। सो आपको अलग अलग फैक्ट्री तक जाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग माध्यम से इंटरनेट से भी उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आप मान लीजिए प्लास्ट विजन करके हर सालाना हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेड फेयर बॉम्बे के अंदर होता है, तो ये जो ट्रेड फेयर होता है वो सिंपली प्लास्टिक की इंडस्ट्री के रिलेटेड है। तो जितनी भी प्लास्टिक का गुड्स है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर होता है, जितना भी उसका रॉ मटेरियल है, जितना भी उसका मशीनरी है, जो अपकमिंग मशीनरी आने वाली है, और जो सारी चीजें जो रिलेटेड टू प्लास्टिक है, ये सारी की सारी चीजें की आपको जानकारी वो एक ही ट्रेड फेयर से मिल जाएगी।
अगर आप ये ट्रेड फेयर विजिट करते हैं, मानिए मेरी बात कि मोर देन 500 प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू चूज, यू कैन सिलेक्ट एनी प्रोडक्ट फ्रॉम देयर एंड यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। सो ट्रेड फेयर अगर इंडिया में हम बात करें तो हर साल 3000 से भी ज्यादा ट्रेड फेयर पूरे इंडिया के अंदर होते हैं। दुनिया के अंदर अगर ट्रेड फेयर की बात करें तो हजारों की संख्या में ट्रेड फेयर होते हैं। ट्रेड फेयर वो वन स्टॉप सॉल्यूशंस है आपकी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। आई होप कि आप समझ रहे हो कि ट्रेड फेयर की विजिट कितनी जरूरी है। अगर आपके नियर अबाउट जो भी कोई बड़ा सिटी है उसके ट्रेड फेयर की आप अगर माहिती लेना चाहते हैं तो आई एम गोइंग टू सजेस्ट वन वेबसाइट कॉल्ड 10times.com। आप उसके ऊपर जाके अपनी वेबसाइट, ये जो भी ट्रेड फेयर है उसकी पर्टिकुलर जो भी डिटेल्स है वो ले सकते हैं। दूसरी बात हम बात करना चाहेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए दोस्तों, इंडिया ने बहुत सारे कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हुए हैं। ये FTA है क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंडियन गवर्नमेंट ने जितने भी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए हैं, ये सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को प्राधान्य दिया गया है कि अगर हम आपको ये चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो आपको जरूरी है तो उसके सामने आप हमें ये चीज इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमें जरूरी है, तो चलिए हम आपका जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम करते हैं और आप हमारे इंपोर्ट ड्यूटी को कम करें। सो ये जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं इसके अंदर बहुत सारी चीजों में फ्री जोन में भी उसको रखा गया है। फ्री जोन माने क्या? कि अगर आप यहां से कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके कंट्री में तो उसके कंट्री के अंदर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जिनको आप यहां पे इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे कंट्री में उन चीजों पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है। अब ये जो सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट है वो यहां से अगर आप करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी ऐसी चीजें जो इस कंट्री के क्लस्टर में हम बेच सकते हैं। दोस्तों बात मानिए मेरी, बहुत सारे इंपोर्टर उस कंट्री में ऐसे हैं और हमारे कंट्री में बहुत सारे एक्सपोर्टर ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि व्हाट इज द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इसका लाभ कैसे लिया जाए। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पढ़ के उसके हिसाब से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं देन ऑल्सो विल गेट अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के जिसके अंदर हम अच्छा सा काम उस कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट का कर सकते हैं। अगर आप एक कंट्री के अंदर एक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट चालू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप दूसरी कंट्री को भी वहां पे जो क्लस्टर है उसके अंदर टैप कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं B2B की। जब हम बात करेंगे प्रोडक्ट सिलेक्शन की और बात करेंगे मार्केट सिलेक्शन की तो जनरली ये वाइस वर्सा है। जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट अगर सिलेक्ट किया हुआ है तो उसका जो मार्केट है वो कौन सा हो सकता है वो प्रोडक्ट के हिसाब से ही डिसाइड होगा। जैसे कि B2B की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि Alibaba.com, TradeIndia.com और IndiaMart, तो ये सारे जितने भी B2B पोर्टल्स है इसके पर हजारों प्रोडक्ट डेली नई अपलोड होती है और ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट है जो ट्रेंडिंग के अंदर उसमें दिखी जाती है। तो ये जो सारी प्रोडक्ट है इसके अंदर भी आप देखिए कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जिसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि तांजानिया से किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि स्टील रोड की रिक्वायरमेंट है, तो द स्टील रोड इज द प्रोडक्ट एंड तांजानिया इज द कंट्री। इट मींस इसको अगर आप थोड़ा परसेप्शन से बात करेंगे तो इसके अंदर आपको ये सिलेक्शन मिलेगा कि तांजानिया के अंदर स्टील रोड की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए कि अगर आप उस बायर को टैप नहीं कर सकते हैं देयर इज नो इशू, बट ये क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं पे तंजानिया में ये स्टील रोड की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स डेली के बेस पे B2B पे आती है जहां से आप किसी भी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से कौन सी प्रोडक्ट उनकी रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट है इनको सिलेक्ट करके आप अपना मार्केट बना सकते हैं। आगे बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ कंट्री। आप देखिए पिछले अगर 10-15 साल में आप देखिए तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंप्लीटली बंद कर दिया। जिसमें मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि गुजरात के अंदर राजकोट में इंडिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का हब है, माने स्कोडा, BMW और फरारी जैसी कंपनी के पार्ट्स भी आज राजकोट में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हर एक कंट्री को अफेक्ट करता है। मान लीजिए कि मैं अगर अमेरिका के अंदर कोई भी एक अपनी कंपनी सेटअप करता हूं तो जो भी काम मुझे कंपनी सेटअप में लगेगा और जो भी खर्चा मुझे लगेगा ये सारा लीगलाइज खर्चा वहां पे होगा। उसमें सबसे बड़ा जो खर्चा है वो है किसी आदमी का पगार। समझिए कि वहां का मिनिमम जो वेज है वो $2,000 से $2,500 तक का है। इट मीन्स आप मिनिमम सैलरी उनको 1,40,000 से ऊपर दे रहे हैं, जबकि 1,40,000 के अंदर इंडिया के अंदर मिनिमम आपको 10 से 12 लोग काम करने के लिए मिल जाएंगे।
तो दोस्तों ये सिंपल सी बात है कि जो प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर 100 रुपीज में बन रही है और वही प्रोडक्ट को आप इंडिया के अंदर बनाते हो तो वही प्रोडक्ट आपको शायद 10, 15 या 20 रुपए में भी बन सकती है। तो क्यों करें ये लोग पर्टिकुलरली प्रोडक्शन? और इसी के बदौलत आप लास्ट 15 साल 20 साल में देखिए बहुत सारे कंट्री में ये अपनी फैक्ट्रियां बंद करके पर्टिकुलरली इंपोर्ट करना चालू किया है और इसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें रॉ मटेरियल की और मशीन की रिक्वायरमेंट है तो वो तो सेम एज जो वहां पर है वो यहां पर रहेगा। तो चीप प्रोडक्शन की बदौलत ये पर्टिकुलर फायदा होता है कि उनके कंट्री में जो प्रोडक्ट बनेगी फाइनल प्रोडक्ट वो भी अल्टीमेटली चीप होगी। तो ये जो रिवॉल्यूशन इंडस्ट्री के अंदर आया है जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट एशियन कंट्रीज को मिला है जिसमें आप देखिए इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडिया एंड चाइना जिन्होंने लास्ट सेंसस के अंदर अपना ग्रोथ कंटिन्यू जारी किया हुआ है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको समझना जरूरी है। मैं फिर से आगे की वीडियो में ये सारी चीजें लेके आऊंगा और इसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में। थोड़ी हम बात कर ले इंपोर्ट के लिए भी कि जब आप कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट के अंदर प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे करें। जनरली ये ट्रेंड होता है कि जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम पर्टिकुलरली प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं और दूसरा ये होता है कि अगर कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आई है तो हम उसको पकड़ के मार्केट के अंदर प्रिवेल करते हैं और उसके हिसाब से हम मार्केट को चूज करते हैं। इंपोर्ट के अंदर और भी एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर हम नोटिफिकेशन के हिसाब से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर भी आपको बहुत बेनिफिट्स है। नब ये नोटिफिकेशन क्या है? इंपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीजों में ऐसे नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिए हैं कि जो प्रोडक्ट इंडिया के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती है और शायद ऐसा हो सकता है कि वो प्रोडक्ट अगर बाहर के कंट्री से हम लाते हैं तो वो FTA के हिसाब से मैंने कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से वो चीज इंडिया के अंदर हम कम ड्यूटी में या तो फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसी चीजों को फोकस किया जाए और वही प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट करके आगे अगर उसको प्रिवेल करते हैं मार्केट में देन ऑल्सो वी विल गेट द लॉट्स ऑफ बेनिफिट। इंपोर्ट के अंदर मैं बहुत सीधी बात करना चाहूंगा कि इंपोर्ट अगर आप 2, 4 या 10 पीसेस का करते हैं तो ये कभी भी आपको सस्ता या तो चीप नहीं गिरेगा। अगर आप करना चाहते हैं इंपोर्ट तो पर्टिकुलरली आपको बल्क में ही करना पड़ेगा तभी जाके ये आपको चीप पड़ेगा। तो जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं अगर वो आप बल्क में आगे जाके करेंगे तभी जाके आप मार्केट के अंदर उसको कोई एक प्राइस जो टारगेट प्राइस है उसके अंदर सेल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो के अंदर हमने बात की कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए इंपोर्ट करना चाहिए। तो ये बात थी प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप उसके शेयर करिए, कमेंट करिए एंड लाइक करिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है पर्टिकुलरली तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, मैं उसका जो भी आंसर है वो देने की ट्राई करूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारी चैनल के साथ। चैनल का नाम है भारत उड़ान मिशन। सो माइसेल्फ अमित मुलानी, एक्सपोर्टर इंपोर्टर एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। थैंक यू सो मच।